महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के बाद अब राज्य में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि राज्य में मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम और उनके साथ आए 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। साथ ही अब शिंदे गुट और बीजेपी के पाले वाले विधायकों को भी मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता चंद्रशेखर ने धमकी भरे स्वर में कहा कि अगर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपमान करते रहेंगे तो इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। 60व्या वर्षी कर्तृत्व काय, मी माझा मुलगा मंत्री, पत्नी आणि मुख्यमंत्री, त्यांचा जीवनपट असा आहे। म्हणजे उद्धव ठाकरेंचा आणि देवेंद्रजींचा जर जीवनपट घेतला तर शून्य अस्तित्व असणारा, शून्य कर्तृत्व असणारा व्यक्ती असं नाव उद्धव ठाकरे आहे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने हाल ही में फडणवीस के गृह क्षेत्र नागपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी नागपुर पर एक कलंक है। ज्याप्रमाणे सगळ्यांना भ्रष्टाचाराचे आरोप करून कलंकित करता आहात आणि त्याच्यानंतर कलंकित करून बाजूला मांडी लावून मंत्रिमंडळात स्थान देतात, तर त्या कुटुंबानी समाजात वावरायचं कसं? एकतर तुम्ही त्यांच्या घरावर गाडी टाकता, सगळं काही त्यांचं कलंकित करून टाकता, तो कलंक घेऊन ते तुम्ही बरे त्यांना मंत्री केलं तरी मग त्यांच्यावरचे आरोप खोटे होते का? मग त्यांना तुम्ही भ्रष्टाचाराचा कलंक का लावला? म्हणजे माझा कलंक शब्द एवढा परिणामकारक असेल असं मला वाटलं नव्हतं। पण त्याच वेळेला मी सांगतो की मला एवढं बरं वाटतं की थोडं तरी मन तुमचं जागा आहे त्या मनाच्या। बता दें शिंदे गुट के साथ आए 40 विधायकों में ज्यादातर विधायक मंत्री बनने के इंतजार में हैं। इसमें से कई ऐसे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान मंत्री थे, जिसे ये नेता अपना हक मानकर मंत्री पद पर बैठे रहने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में यदि इन नेताओं को भाव नहीं मिलता है तो वे जल्द ही सरकार से बगावत कर सकते हैं। वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी for more such updates.